हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इंडियन फ्रेंचाइज सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में मैं आपको मान्यवर की फ्रेंचाइजी कैसे लेनी है उसके बारे में बताने वाला हूं। सो देखिए, मान्यवर जो है वो आपका एक एथनिक वेयर एंड अपैरल ब्रांड है। सो जो भी आपके एथनिक कपड़े होते हैं वो बेसिकली ये सेल करती है। सो मान्यवर की आज जो है लगभग 600+ जो है आउटलेट्स हैं। सो 600 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी आउटलेट जो है वो ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं। सो देखिए, मान्यवर जो है वो आज की डेट में मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। मान्यवर का जो फाउंडेशन ईयर है वो आपका 1999 है, लेकिन उसके काफी लंबे समय बाद 2008 में जाके कंपनी ने अपने फर्स्ट फ्रेंचाइजी आउटलेट मुंबई में ओपन किया था। सो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे रीजन जिसकी वजह से आपको जो है इसकी फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए। सो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, ये मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है आज की डेट में। अगर और भी काफी कंपनीज हैं जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम कर रही हैं या फैशन रिटेल के सेगमेंट में काम कर रही हैं, लेकिन ये जो है कंपनी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। उसके बाद ये कि नोन ब्रांड है। सो अगर आप इसका आउटलेट खोल रहे हो तो जो है वहां पे आपको हाई फुटफॉल रहता है, प्लस आरओआई जो है वो हायर साइड में है। सो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको रिटर्न इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा रहता है, प्रॉफिट मार्जिन जो है आपके इसमें ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए जो है आपका एवरेज प्रॉफिट होगा किसी भी प्रोडक्ट सेल पे जो है वो हायर रहेगा कंपेयर टू किसी और कंपनी की अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हो। दूसरा ये रीजन है कि देखिए, कंपनी ने काफी ऐसे बड़े इवेंट्स हैं जैसे कि आपका आईपीएल हो गया, उसको स्पॉन्सरशिप दिया, या आपका जैसे कि कबड्डी का मैच होता है जो इंटरनेशनल लेवल पे, उसको स्पॉन्सरशिप करता है, और भी काफी ऐसे बड़े इवेंट्स हैं जहां पे कि कंपनी जो है वो अपनी स्पॉन्सरशिप देती है। ये कुछ एक ऐसे रीजंस हैं जहां पे कि आप जो है इसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए जो है आपको ये प्रॉफिटेबल रहेगा। सो आगे जो है मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, क्या एरिया रिक्वायरमेंट्स हैं, किस लोकेशन पे आपको इसको खोलना चाहिए, और जो है इस पे अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है। सो देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है वो लगभग आपका 40 लाख रुपीज का है। सो ये जो इन्वेस्टमेंट है आपका टोटल इन्वेंट्री और शॉप को जो भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है वो सारा बनाने में आपका लगेगा। उसके अलावा जो है जैसे कि आप कहीं भी शॉप ले रहे हो तो हो सकता है आपको कुछ डिपॉजिट देना पड़े उस शॉप के ओनर को, तो उस केस में जो है आपको 5-10 लाख रुपए ऊपर से और भी लग सकते हैं। सो मैं कहूंगा कि आप जो है 40 लाख जो है उसको अप्रॉक्स मान के चलिए, उसमें जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये अमाउंट डेफिनेटली होगा। फिर जो एरिया रिक्वायरमेंट, सो एरिया रिक्वायरमेंट जो है वो आपका 1000 स्क्वायर फीट का है। सो 1000 स्क्वायर फीट से अगर कम का एरिया है तो आप इसको ना ही खोलें, क्योंकि उसमें आप सारी चीजें एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, और कंपनी की जो गाइडलाइंस है वो भी जो है 1000 स्क्वायर फीट का ही कहती है। सो उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपको किस लोकेशन पे खोलना चाहिए इसको। सो देखिए, अगर आप इसे प्राइम लोकेशन पे खोल रहे हैं, अगर आप इसे सिटी सेंटर में खोल रहे हैं या सिटी के ऐसे एरियाज में खोल रहे हैं जो काफ़ी पॉपुलर है, जहाँ पे हाई डेंसिटी लोग हैं या लोग मोस्टली शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो ही जो है ये आपका आउटलेट या आपकी जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल रहेगा। अगर आप इसे लोकल मार्केट में या नियर बाई मार्केट में आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से खोलेंगे तो फिर ये नहीं चल पाएगा। दूसरा, अगर आप इसे शॉपिंग मॉल्स में खोलते हैं, तो देखिए मॉल्स में जो है पब्लिक जो परचेज करती है वो थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करने में हिचकती नहीं है, तो अगर आप वहाँ पे भी इसे ओपन करते हो तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा। और इनकी मैक्सिमम जो फ्रेंचाइजीज हैं, या मैक्सिमम कहना गलत होगा, इनकी काफ़ी बड़ी नंबर ऑफ फ्रेंचाइजीज जो है आज की डेट में मॉल्स में एग्जिस्ट करती हैं और वो वहाँ पे वो सक्सेसफुली चल रहे हैं। अगर आप इसे खोलना चाहते हो तो किसी ना किसी मॉल्स में, अपने जो भी मॉल हो वहां पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, कम मॉल पे आप जाके इसके लिए बात कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इसकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो आप इस पे अप्लाई कैसे करोगे। देखो, आप manyavar.com जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पे जा सकते हो। वहां पे जाने के बाद जो है पूरा स्क्रॉल डाउन करो, नीचे लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको फ्रेंचाइजी का एक ऑप्शन आएगा, जब आप इस पे क्लिक करोगे तब जो है आपको एक फॉर्म ओपन होता है। उस फॉर्म में जो है आपका इन्होंने पर्सनल डिटेल, आपका बिजनेस डिटेल, प्लस आप जिस एरिया में या जिस लोकेशन पे खोलना चाह रहे हो उसकी डिटेल्स भी वहां पे देनी होगी। तो अगर आप इस पूरी डिटेल्स को दे देते हो, सबमिट कर देते हो, उसके बाद जो है वो मान्यवर जो है आपको कॉन्टेक्ट करेगा। अब देखिए, होता क्या है, इसके आउटलेट या फ्रेंचाइजी मिलने के चांसेस ज्यादा क्यों है, क्योंकि देखिए मान्यवर आज की डेट में ग्रोइंग कंपनी है, अभी भी अगर देखा जाए तो काफी एक न्यू कंपनी है इंडिया में,
और ये ग्रो कर रही है, अपने आउटलेट्स को बढ़ा रही है और काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और ये ना ही कंपनी को पता चल रहा है, इवन जो लोग जो हैं, जो एज एन इन्वेस्टर अगर मैं भी खोलना चाहूंगा तो मैं डेफिनेटली किसी लोकल शॉप से बेटर उसमें इन्वेस्ट करके अच्छे खासे पैसे कमाना चाहूंगा। सो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं, जैसे आपका अमिताभ बच्चन हो गए, विराट कोहली हो गए, सो कंपनी ने अपना जो सोशल प्रेजेंस है वो भी काफी अच्छा बनाया हुआ है। सो अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो, अगर आप 40-50 लाख रुपीस का अगर आपका बजट है, तो डेफिनेटली आप मान्यवर की फ्रेंचाइजी के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो। सो इसके अलावा अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली उस पर आपको रेस्पॉन्ड करूंगा।